गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर क्लास 8 एंड वी आर स्टडीइंग द चैप्टर 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. दिस इज द टॉपिक और दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डीफॉरेस्टेशन. ओके, so let's see what is deforestation. So students, the clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation. So you can see the definition. This is the definition of deforestation. Students, deforestation means the clearing of forest and using the land for other purposes is called the deforestation. Now the causes of deforestation are, the first one is, first cause is procuring land for cultivation. तो यहाँ पे crop production के लिए land को use करते हैं, forest को cut करके जो trees को काट लेते हैं और उस जो land है उसको for crop production use करते हैं. ठीक है. Second, building houses and factories. तो यहाँ पे deforestation करके बनाते हैं building हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. तो यहाँ पे रहने के लिए घर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारे वर्क किए जाते हैं. ठीक है. डीफॉरेस्टेशन मतलब जो भी हमारे ट्रीज है उनको काट के. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं डीफॉरेस्टेशन की डिफिनेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पजेज. तो फॉरेस्ट जो उसको क्लियर कर देते हैं, मतलब उस जो भी ट्रीज है उनको कट कर लेते हैं और वहाँ पे अपनी न्यू फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं आप प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. थर्ड वन इज यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो वुड है उसका यूज फ्यूल के फॉर्म में या फिर फर्नीचर बनाने के लिए भी कट कर लेते हैं. तो ये सारे कॉजेज हैं डीफॉरेस्टेशन के. The natural causes of deforestation are forest fire and drought. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ natural causes भी हैं और वो हैं forest fire. Forest fire से क्या होते हैं, हमारे जो trees हैं वो जल जाते हैं गर्मियों के मौसम में. ठीक है, summer season में. और वहाँ पे जो forest होता है वो clear हो जाता है. या फिर drought, appropriate amount में water नहीं मिलता जिससे कि जो tree होते हैं वो सूख जाते हैं. तो ये सारे रीजंस हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल रीजन. यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन लेवल ऑन द अर्थ. सो दिस वन इज द फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन. ओके. सेकेंड वन इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड. थर्ड वन इज लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. Lowering of groundwater level. Fourth one is disturb the balance in nature. Fifth point, decrease in rainfall leading to drought. Sixth, soil erosion and decrease in soil fertility leading to desertification. Seventh, decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से consequences हैं. Let me repeat these consequences that are very important. So let's see. The consequences of deforestation are, the first one is increase in temperature and population level on the earth. Second one is increase in level of carbon dioxide in the atmosphere leading to global warming. Third one is lowering of ground water level. Fourth, disturb the balance in nature.
यहाँ पे देख सकते हैं ट्री की जो कमी हो जाती है इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे जो नेचुरल बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का और हमारे डिफरेंट सीजन का, वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज, इट मीन्स यहाँ पे जो रेनफॉल है उसमें भी यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है जिससे रेनी रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। सॉइल इरोजन होता है इससे एंड डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होता है और डिजर्टिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखते हैं ड्रॉट क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं If number of tree will be less on the earth's surface, it means the amount of carbon dioxide will be increased. And since carbon dioxide has heat trapping capacity, it traps the heat reflected from the earth, okay, and increase the temperature of the atmosphere of the earth, that is known as the global warming. Due to this global warming, there is disturbance in the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause drought. So this is the reason behind the drought. You can see here the explanation. In these two pictures, you can see the condition of soil after drought. You can see this one is one of the picture. This soil is completely free from the water, and this one is the beginning of this drought. Okay, so after this step the soil looks like this. If it will not get sufficient amount of water for a long time, okay, suppose in rainy season there is no less amount of rainfall on the surface, then the surface take form like this and complete moisture is there is no moisture in the soil and it will not be ready for the crop production. Okay, so it is very important that there must be appropriate amount of rainfall on the earth for soil to give for proper crop production. Okay, now the next topic is desertification. So let's see what is desertification. Removal of top layer of soil exposes the hard and rocky lower layers, which have very less humus and air. As they are less fertile, soil becomes like desert. It is termed as desertification. So students, if there is less number of trees, there is these problem are take place. तो जहाँ पे number of trees बहुत ही कम हो जाते हैं वहाँ पे ऐसी problems आती हैं। होता क्या है, जो soil का top layer होती है वो water के साथ बह जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं removal of top layer of soil exposes the hard, अब जब top layer बह जाती है water के साथ तो बचता है जो हार्ड एंड रॉकी लोअर लेयर बचती है, ठीक है, विच इज वेरी लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी बहुत कम होता है एंड एयर ये बहुत कम होता है और ये बहुत हार्ड होता है। सो इनकी फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर लाइक डिजर्ट, और ये डिजर्ट रेगिस्तान जैसी होती हैं क्योंकि इसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं। तो इसी प्रोसेस को जिसमें कि सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू जो अपर लेयर है वो बह जाती है और जो रॉकी
लोअर लेयर्स बच जाती हैं इनकी वजह से, तो इसी प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इन पिक्चर्स में, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजर्टिफिकेशन। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ग्रास भी यहाँ पे ग्रो नहीं करती इस फील्ड में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है ये सरफेस, और इसकी जो ह्यूमस है और जो फर्टिलिटी है वो इसमें नहीं रहती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सो लेट्स सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाई यूजिंग द टेक्स्ट गिवेन इन योर NCERT बुक। टूडे वी आर स्टडिंग द सेम थिंग बाई यूजिंग PPT, सो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, एंड इट इज ऑल्सो योर होमवर्क टू गिव द डिफरेंस अमंग दीज थ्री। सो लेट्स सी वॉट इज डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो द फर्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उन लोगों को जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग देयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है क्या होता है ये। एक तरीके से ये बहुत बड़ा सा जो एरिया है जहाँ पे कि हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, और जो ट्राइबल्स मीन्स जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनको, उनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज नेशनल पार्क्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क्स आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ मीन्स जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए है, जहाँ पे वो फ्रीली रह सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल पार्क्स। एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये वाइल्ड लाइफ को ही कंजर्व और सेव करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। तो ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, एरिया है जहाँ पे कि एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है और वहाँ पे इनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और न तो इनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग देयर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। सो लेट्स सी, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। तो आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट टाइप के, और उनका आपस में इंट्रैक्शन, जो डिफरेंट टाइप के ये हैं उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता एक तरीके से बोल सकते हैं, जीवन की विभिन्नता।
और इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये सभी प्लांट एनिमल्स जो हैं, जो एयर मतलब एक तरीके से एयर वाटर, इनके साथ जो आपस में नेचुरल और जो नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी का जो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होता है उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। तो यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब देखते हैं एक बायोडाइवर्सिटी बायो स्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पिक्चर है जिसमें पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व को दिखाया जा रहा है। इसके अंदर वन नेशनल पार्क है जिसे कि सतपुरा नेशनल पार्क बोलते हैं और टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसमें से एक है बोरी और दूसरा है पंचमारी। ओके, तो यहाँ पे ये है बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में वन नेशनल पार्क एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको बोरी एंड पंचमारी बोलते हैं, जबकि नेशनल पार्क को सतपुरा नेशनल पार्क कहते हैं। ये देख सकते हैं ये पिक्चर है, ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है जहाँ पे कि हम लोग अपने जो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं उनका भी खास ध्यान रखते हैं, उनकी सेफ्टी, उनके कंजर्वेशन को और अपने कल्चर को यहाँ पे सेव करने की के लिए लॉज एंड एक्ट बनाए जाते हैं और उसके फॉलो करके इनको सेव किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लोरा एंड फौना। सो लेट्स सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देन फर्स्ट वन इज फ्लोरा। सो यू कैन सी फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो फ्लोरा क्या है, ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एक्चुअल में प्लांट को ही फ्लोरा बोलते हैं बट जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर इसके देखे फ्लोरा के, तो फ्लोरा पंचमारी कंसिस्ट ऑफ साल, टिक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है, ये पंचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके फ्लोरा है, मतलब ये उसी एरिया में सिर्फ पाए जाते हैं ये सभी प्लांट जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्लोरा ऑफ पंचमारी कंसिस्ट ऑफ साल, टिक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न एक्सेट्रा। फौना, तो यहाँ पे देख सकते हैं फाना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको फाना बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द फाना पंचमारी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीतल, वोल्फ, लियोपॉर्ड, ब्लू बुल, बार्किंग डियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाना है जो कि पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में जो फौना पाए जाते हैं उनमें से वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लियोपॉर्ड, बुल, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, ये सभी हैं फौना के एग्जांपल्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, लेट्स नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेमिक स्पीसीज। सो लेट्स सी व्हाट आर इंडेमिक स्पीसीज। सो इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड इन एनी वेयर एल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे स्पीसीज हैं प्लांट या एनिमल्स के, उनको ही हम लोग इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो आप देख सकते हैं ऐसे प्लांट और एनिमल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं सिर्फ उनको ही एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि आपके आसपास कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते होंगे जो कि हर जगह नहीं मिलते हैं, तो उनको आप एंडेमिक स्पीसीज में की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आसपास पाए जाने वाले एंडेमिक स्पीसीज कि एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये सारे आजकल डेटा अवेलेबल हैं। तो आप अपने स्टेट के लिए एंडेमिक स्पीसीज की लिस्ट बना सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ये जो एग्जांपल है
ये पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए दिया गया है। तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज हैं। तो देखिए, साल वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा। तो यहाँ पे फ्लोरा मीन्स जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साल और वाइल्ड मैंगो ये एंडेमिक स्पीसीज हैं फ्लोरा के। और बीसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फाना इन दिस एरिया। तो यहाँ पे ये सभी एंडेमिक फाना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज दोनों हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं इसको फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो साल और वाइल्ड मैंगो जो है यही एंडेमिक फ्लोरा है कहाँ के, पंचमारी के। और बिसोन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर द एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ के जो एंडेमिक फाउना है वो हैं बिसोन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये पिक्चर साल मैंगो, ये बिसोन, इंडियन जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल। नाउ लेट्स सी अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको किल करना या फिर कैप्चर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हैं इजीली। ये सारी चीज़ों को आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है पहले। अब यहाँ पे आपको एक पीपीटी की हेल्प से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है उनके साथ और उनके हैबिटेट के साथ भी। द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग और कैप्चरिंग स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स हैं कुछ, ये मैं ये ठीक है, इनको यहाँ पे इनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके से डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जा सकता, एनिमल्स को कैप्चर नहीं किया जा सकता है, किल नहीं किया जा सकता है। तो ये एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पार्क। सो लेट्स सी, नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल पार्क ऐसे एरिया हैं जो कि वाइल्ड, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मीन्स यहाँ पे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो भी वाइल्ड से वाइल्ड में रहने वाले जो भी हैं एनिमल्स, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। उनको किसी भी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, यहाँ इनको सेफ रखा जाता है। यहाँ पे भी किलिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग ये सब प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, इनके लिए बहुत सारे लॉज एंड एक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। तो ये है नेशनल पार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में नेशनल पार्क को, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करके यूज़ किया गया इसे।
Now next topic is Project Tiger. So what is Project Tiger? So student, टाइगर को सेव रखने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो टाइगर का जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता गया, जिसकी वजह से इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो लेट्स सी, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1973 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट एम्स एट इंश्योरिंग अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देन फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एज अ नेचुरल हेरिटेज फॉर एवर रिप्रेजेंटेड एज क्लोज एज पॉसिबल द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस द टाइगर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुअलाइज्ड दीज टाइगर रिजर्व्स एज ब्रीडिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल्स वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो इंश्योरिंग है, वो है कि बंगाल टाइगर जो है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक्सटिंक्शन से, एंड प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एज ए नेचुरल हेरिटेज फॉर एवर रिप्रेजेंटेड एज क्लोज एज पॉसिबल द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस द टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। तो यहाँ पे ये एम्स हैं इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। द प्रोजेक्ट टास्क फोर्स विजुअलाइज दीज टाइगर रिजर्व एज ब्रीडिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम विच सरप्लस एनिमल्स वुड माइग्रेट टू एडजेसेंट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर। इट हैज बीन वन ऑफ आर मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर्स इन रिसेंट टाइम। सेकेंड पॉइंट इज द प्रोजेक्ट एम्स एट द टाइगर कंजर्वेशन स्पेशली इन टाइगर रिजर्व विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस बायो जियोग्राफिकल रीजन्स फॉलिंग विद इन इंडिया। And the third point is the project aims at stabilizing the population of the tiger in the country. Okay, so you can see the picture of tiger in this slide. Now let us discuss the most important topic of your chapter, that is Red Data Book. So let's see what is this. So the book provides a central information source in organizing studies and monitoring programs on rare and endangered species and their habitats. It is regularly consulted when developing and implementing special measures for the protection and rehabilitation of such species. तो आप देख सकते हैं रेड डेटा बुक के बारे में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार बता देते हैं। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोर्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडीज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स ऑन रेयर एंड इनडेंजर्ड स्पीसीज। तो आप देख सकते हैं जो इनडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी स्टडीज करते हैं, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रेड डेटा बुक में स्टोर किया जाता है, उनके हैबिटेट से रिलेटेड भी। इट इज़ रेगुलरली कंसल्टेड वेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल मेजर्स फॉर the protection and rehabilitation of such species। और इनको continuously इसमें जो भी changes किए जाते हैं या जो भी animals से related जो भी नए steps लिए जाते हैं, उनके numbers कैसे increase कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों का उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर mention किया जाता है, note किया जाता है। ये book international level पर भी develop किया जाता है agencies के द्वारा, और national level पर government of India इसको मेंटेन करती है, ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड डेटा बुक, ये जो कि द IUCN प्लांट रेड डेटा बुक, ये इंटरनेशनल है,
यहाँ पे देख सकते हैं रेड डेटा बुक फॉर रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया, ये है किसी सभी कंट्री अपने अपने देश के लिए इस तरीके का रेड डेटा बुक बनाते हैं जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, नोट करके रखते हैं, जिससे कि हमें सारी चीज़ों के बारे में पता रहे, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के बारे में पता रहे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे इनडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नोट्स के लिए आपको ये स्लाइड्स इनफ हैं, आप इन स्लाइड्स से को पॉज करके चीज़ों को नोट कर सकते हैं, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।